ये ब्रेकफास्ट तो कर लिया। ब्रेकफास्ट में पोहा और इडली वगैरह यहाँ से मैंने खा लिया है। तो अभी मैं जो बुकिंग करा देता हूँ अपनी एक सीट, और उसके बाद मैं आपको लेके चलने वाला हूँ मुंबई दर्शन के लिए। चलिए एक बस स्टैंड में बैठता हूँ, वहाँ पर बस का इंतज़ार करता हूँ। चलते रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ मुंबई दादर में। अभी मैं रुका हुआ हूँ। अगर आप आते हो नासिक से, शिरडी से, तो दादर आप उतरें, क्योंकि दादर से ही आपको सारी बसें यहाँ से ही जाएंगी, आपको पूरा घुमाकर फिर उस जगह दादर में ही आपका बांद्रा है या आपको चौपाटी, जहाँ भी आपको कोई फ्लाइट है जैसी भी, यहाँ से मुंबई से आप आसानी से निकल सकते हो। देखो पहले आप शिरडी घूमो, फिर नासिक घूमो, औरंगाबाद घूमो, और उसके बाद आप शनि सिंगनापुर, अजंता एलोरा, उसके बाद मुंबई दर्शन। तो एक ट्रिप बनाइए 5 डे का, तो उसके बाद आप आसानी से जब ये घूम लेते हो तो आपको फिर सारी एक बार में बार बार जाने का आने का नहीं पड़ेगा। तो चलते रहिए। दादर बस स्टैंड है ये, और इसके जस्ट आसपास ही आपको काफ़ी टूर एंड ट्रैवल की शॉप्स हैं जिनसे आप बुकिंग करा सकते हैं साइट सीन का। डिपेंड करता है कि आपकी बार्गेनिंग, कोई 300 बोलता है नॉन एसी का, कोई 250 बोलता है, कोई 200 भी बोलता है, और एसी का 400 450 और एक दिन का। और अगर आप कैब करते हो तो उसके जो चार्जेज हैं 2500 से लेकर 3500 तक, डिपेंड करता है आपकी बार्गेनिंग के ऊपर, ठीक है। तो मैंने तो सीट बुक करा ली है, क्योंकि मैं घूमते घूमते दादर मैंने दिखाया कि मैं घूमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया कि आप लोगों के लिए, कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको दिखाता हूँ। तो ये चीज़ मुझे दिख गई, क्योंकि मैं सुबह आया था, फिर मैं एक होटल लिया भाई, वो थोड़ा मुझे बहुत महंगा पड़ गया 1 घंटे के लिए, बट लाना भी ज़रूरी था। तो चलिए अब वेट कर ही रहा हूँ, मैं वेट करता हूँ उतना अभी अपना मुंबई दर्शन के लिए, और बस मैं काफ़ी मेम्बर्स हैं। आज आपको देखना है मुंबई दर्शन के अंदर पूरा 32 जगह। यहाँ से पहले अपन भावका दत्त का बोट राइड, उसके बाद में आगे गेट ऑफ इंडिया, न्यू टॉस, ओल्ड टॉस, मरीन ड्राइव होते हुए आगे सीधा जाएंगे नेहरू। मुंबई दर्शन में फर्स्ट जो मैं आपको लेके आ रहा हूँ, एसेटिक सोसाइटी मुंबई, जिस जगह पर यहाँ पे बहुत हिंदी मूवी की शूटिंग्स हुई है इन सीढ़ियों पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह पर कुछ तेजाब मूवी है, नाना पाटेकर की कोई दूसरी मूवी है, उसका भी नाम तो आइडिया नहीं है यार मुझे, क्योंकि इतनी मूवी मैं देखता नहीं हूँ, सिर्फ मैं ब्लॉगिंग ज़रूर करता हूँ। हुकुम सिंह ब्लॉग्स मेरा चैनल, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें आप। और यहाँ पे जितने भी विजिटर्स होते हैं उनको सिर्फ बाहर से ही देख के वापस कर दिया जाता है, कि अंदर उनको बैठने वगैरह की परमिशन नहीं होती है। चलिए मैं बाहर निकलता हूँ फिर, और इनसे पूछा मैंने, देखता हूँ क्या बात करते हैं। तो मैंने आपको अभी फर्स्ट ये जो दिखा रहा हूँ पीछे, और मैं उसमें से घूम के आ चुका हूँ, ये मुंबई की एस्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। इसके अंदर हर किताब आपको मिल सकती है, और इसमें कोई भी एंट्री करके जा सकता है, और वैसे सभी फोटोग्राफ और वीडियो अलाउड नहीं है। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपको देखेंगे तो इसी लाइब्रेरी के पास में आरबीआई का भी सेंटर है, और उसके बाद आगे हम निकलते हैं, अभी चलते हैं। राइट साइड में जो बड़ा सा एक शिप दिख रहा है, एम टू एम शिप दिख रहा है, ये आज से लॉकडाउन का पहले यहाँ से निकलती थी, अलीबाग ही होती थी, लेकिन अभी इसके ये बाई रोड आप अलीबाग जाते हो मुंबई से। भी एंट्री गेट पे, वहाँ पे एंट्री गेट पे एक पर हेड 165 का आपको शिपिंग के लिए एंट्री करते हैं, फिर उसमें आपको पूरा 1 घंटे का राउंड लेते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं एंट्री गेट पे। एंट्री गेट पे आपके अंदर यहाँ पर आपको बोटिंग करनी है, तो बोटिंग के जो कुछ चार्जेस हैं वो आपको खुद पे करना होगा। देन इसके बाद आपको मुंबई
मैं कई बार मुंबई आया और देखेंगे सामने ये जो मुंबई पोर्ट है ट्रस्ट जो अपने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, ये मैं फर्स्ट टाइम आया और अच्छा एक्सपीरियंस है। चलिए मैं चलता और मैं अब आ चुका हूँ बोट पे और बोट के आपको अच्छा एक्सपीरियंस मैं शो करने वाला हूँ और काफ़ी सस्ता ही टिकट है इसके। और इन्होंने बोट पे सॉन्ग्स वगैरह चलाए हुए हैं कुछ भारतीय संगीत और इस तरीके से। और देखिए मैं भी एक एक्सपीरियंस डांस भी कुछ कर रहे हैं तो मैं भी ट्राई करता हूँ एक बार चलाने की इसको कि वह ठीक है। और देखेंगे पानी की लहरें समुद्र की किस तरह की लहरें आपको चल रही वो भी मैं दिखा रहा हूँ, सॉन्ग्स भी चल रहे हैं इसके अंदर पूरा। यहाँ से मुंबई से ये वो है जो एक तरफ आप थोड़ा दूर जाएंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ से भी बोटिंग होती है बट मैं आपको स्पेशली लेके आया मुंबई पोर्ट जहाँ से बड़े बड़े शिप्स जाते हैं, अलग कंट्रीज में भी जाते हैं। और इस जगह यहाँ पर नेवल के भी कुछ हैं बोट्स खड़ी हुई हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स अबाउट मुंबई। मुंबई ये विश्व के महंगे शहरों में से एक है। सबसे महंगा शहर है सिंगापुर। सॉन्ग्स के साथ साथ मुंबई की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। चलो मैं अब ऊपर आया हूँ और ऊपर कुछ फोटोग्राफी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ऊपर से कितना अच्छा नज़ारा है। काफ़ी लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं और इसके बाद हम अब निकलते हैं नेक्स्ट क्योंकि टाइम कम है। शाम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, इसको जाते हैं हम रस्ते से देखते हैं पर इसका पुलिस हेडक्वार्टर, महाराष्ट्र पुलिस हेडक्वार्टर, जिस यहाँ पर क्या है कि कुछ मूवीज़ बनी हुई हैं जैसे कि वेडनेसडे है और भी कुछ मूवीज़ हैं जिनकी शूटिंग इसी के अंदर हुई है। देखो अंदर से तो हम जा नहीं सकते बट मैं आपको गेटवे ऑफ इंडिया लेके चलता हूँ और वहाँ पे क्या है ताज होटल है वो भी दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। और नेक्स्ट पॉइंट है गेटवे ऑफ इंडिया। जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये 1911 में बनाया था, ये ब्रिटिश के एक राजा और महारानी की स्वागत के लिए 1911 में यहाँ पर बनाया था। तो चलिए इसको मैं और इसके जस्ट अपोजिट में ये है ताज, इसमें एक आतंकवादी हमले हुआ था, ये वही ताज है 2611 का, आपने सभी ने सुना होगा। जस्ट दोनों अपोजिट में है, देख सकते हैं आप बिल्कुल। तो ये चीज़ मैंने अपने आपको दिखा भी रहा हूँ और सामने है फिर समुद्र। और अब हम गेटवे ऑफ इंडिया और ताज के बाद हम निकल रहे हैं अभी बस के थ्रू और मैं अभी आ चुका हूँ एंटीला हाउस। ये एंटीला हाउस आपको पता है किसका घर है, 27 मंजिला ये अंबानी का घर है और इसकी जो कॉस्टिंग है वो है 15,000 करोड़ रुपए। और रोड साइड से हम देख रहे हैं, देखो भाई अभी एंट्री तो यहाँ पे मिलेगी नहीं मुंबई दर्शन में, तो अभी हम इसके आगे निकलते हैं। और ये थोड़ा सा इसके जस्ट पास में है सिद्धिविनायक मंदिर और इसके ऊपर सामने ऊपर दिखा रहा हूँ मैं बहुत क्लोज से आपको, ऊपर की जो सबसे ऊपर है इन्होंने बनाया वो हेलीपैड तो, और जो मुकेश अम्बानी जी का घर और इसके अंदर काफ़ी फ्लोर्स में तो कुछ गाड़ियाँ हैं। रिचेस्ट हाउस है इन इंडिया एंटीला, नो जस्ट इज द सबसे कॉस्टियस्ट हाउस इन इंडिया एज वेल एज मुंबई और ये 27 फ्लोर का बनाया हुआ। चलती है इसके बाद मैं आपको और भी दिखाता हूँ साइट सीन देखेंगे। अब देखिए सामने नेहरू विज्ञान केंद्र से निकल के जा रहे हैं अभी सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर पूरा वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कोई भी काम करने जाते हैं तो वो वहाँ की पूजा ज़रूर करते हैं। तो चलिए मैं अब लेके चलता हूँ आपको सिद्धि विनायक। कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा टैक्सीज हैं और 1 लाख के करीब बसेज हैं। देखेंगे टैक्सीज दो तरह कलर के वो मैंने आपको दिखाया अभी। मुंबई में गेट नंबर 2 पे एंट्री करते हुए कुछ प्रोटोकॉल है कि फ़ोन को अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर दर्शन कराता हूँ सिद्धि विनायक गणपति जी के। तो चलो मैं कोशिश तो अंदर कर रहा हूँ कैमरा अंदर ले जाने के लिए, भाई मेरी हालत कैसे हो चुकी है मुंबई घूमते घूमते, चलिए लेके चलता हूँ। देखिए मैं तो अंदर आ चुका और मैंने काफ़ी कुछ प्रोटोकॉल्स देखी भी, कैमरे और फोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं है, तो मैं आपको बाहर तक दिखाता हूँ, वैसे अंदर आपको मैं दिखाऊंगा। बट देखिए यहाँ पे भी सेम 1500 रुपये की आपके लिए VIP दर्शन के लिए, बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा जनरल लाइन से। देखिए मैं भी अगर ज़्यादा नहीं थोड़ी देर में ही आ जाता हूँ
और मैं आपको लाइव दर्शन दिखाता हूँ। और देखिए जस्ट गर्भ गृह के बाहर बड़ा स्क्रीन लगी हुई है, वो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। वैसे चलिए और दिखाता हूँ आपको। और यहाँ से प्रसाद मिलता है, घर ले जा सकते हैं 10 रुपये के 4 नग। चलिए अब हम निकलते हैं बाहर। आ चुका हूँ गाड़ी में और अभी कुछ सेलिब्रिटीज़ के घर देखने के लिए निकल रहे हैं हम अभी। और उसके बाद जुहू बीच, जुहू चौपाटी जैसा कहते हैं, तो वो भी हम देखते हैं अभी। और उसके बाद हमारा आज ये मुंबई का ब्लॉग एंड होने वाला होगा। तो देखिए आगे इनमें आपको बाहर का व्यू और दिखाने। फाइनली आज मेरा लास्ट पॉइंट है मुंबई दर्शन का, जो मैं लेके आ चुका हूँ आपको जुहू बीच। दिखाता हूँ आपको मैं जुहू बीच, आप देख के चकाचौंध हो जाएंगे कि कितना अच्छा दृश्य है। देखिए और ये देखिए नज़ारा। इस टाइम थोड़ा साफ सफाई है। देखो मैंने आपको पूरा 5 to 6 days का पूरा दिखाया है, शिरडी, नासिक, एलोरा, मुंबई, सारे अपने ब्लॉग्स धीरे धीरे मैंने सब अपलोड किए हैं और आप देख सकते हैं। और कमेंट करके मुझे बताना किस जगह का और आप देखना।